ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाप इस धरा पर गुप्त रीति से आकर परिवर्तन का कार्य शुरू करता है। बहुत ही गुप्त रीति से आकर शुरू करता है, किसी को भनक तक नहीं लगता है कि भगवान स्थापना का कार्य अभी भी क्या है। सबको बोल भी है लेकिन लोगों को महसूस नहीं हो रहा ना कि स्थापना का कार्य चल रहा है और पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य चल रहा है। तो पहली पढ़ाई यही करवाता है वो कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी देहभान में फंस जाते हैं। देहभान में दादी जानकी भी फंसी हुई थी, टीबी का बीमारी था, असोई पड़ी रहती थी। बाबा चिट्ठी में बार बार लिखा था, बच्ची तुम्हारा योग बल कहाँ है, योग बल कहाँ है, योग बल कहाँ है, तीन बार बोला। उसके बाद से वो जागृत हो गई। तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ नहीं कि एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, कुछ ताकत ही नहीं, हमारा चेहरा चलन बताने लगता है कि हम बहुत सुस्त हैं, हमको ताकत नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि हम एक आत्मा हैं, आत्मा में 10 गुना ताकत है, तो शरीर भान में क्यों आए, है शरीर में वो अपनी जगह है, हम आत्मा हैं, आत्मिक स्थिति में रहें। तो बाबा कहता है कि पहली पढ़ाई भी बाबा यही कराता, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, देह भान में क्यों आ जाते हो, ये सब कर्मों का हिसाब किताब उसको चुकतू करेंगे, योग बल से पावरफुल होंगे बाबा से योग लगा कर। और यही पहली पाठ सारी पढ़ाई का सार है, यही पहला पाठ सारी पढ़ाई का सार बन जाता है। पूरा पढ़ाई क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही तो है पढ़ाई। और जब आत्मिक स्थिति में नहीं रहते तो परिस्थिति आ जाता है। तो बाबा कहता है कि आप जितना जितना अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते जाओगे उतना ही आप शक्तिशाली बनते जाओगे। अगर कोई विद्यार्थी है वो पढ़ाई बहुत कर रहा, साल भर तक बहुत पढ़ाई पढ़ा, बहुत मेहनत किया और उसको याद भी सब कुछ हो गया, लेकिन एग्जाम के दिन में गया वो और डर गया क्वेश्चन देख के, वो लिख नहीं पाया। वही दूसरी ओर एक बच्चा जो है वो कम पढ़ाई पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा वो, लेकिन उसके अंदर जो ताकत है वो ताकत जब एग्जाम में बैठा तो एकदम धैर्यता का शक्ति था और स्थिरता का था, वो हर क्वेश्चन को समझा और बहुत अच्छे से लिख के आया। दोनों में कौन अच्छा है? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनना सुनाने वाला नहीं बनना है, कितना हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। और ये पता कब चलता है, जब परीक्षा आती है, वो चाहे तन का हो, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे जन का, चाहे परिवार का, वो परीक्षाओं के समय भी पता चलता है कि हम कितना धैर्यता से स्थिरता से उसको पार करते, हमारे चेहरे चलन में वो भाव दिखाई ना दे कि हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे। बाबा कहता है कि बच्चे हर परिस्थिति को ऐसे पार करो जैसे मक्खन में बाल हो, मक्खन में बाल तुरंत निकल जाता आसानी से। तो बच्चे यहाँ जितना बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करते हो उतना ही स्वर्ग में रहने का आपका भाग्य तय हो जाएगा। तो जितना हम स्थिर रहेंगे अंदर से बाहर से, जितना हम पावरफुल रहेंगे उतना ही हमारा पाठ क्या हो जाएगा, सतयुग में सबसे पहले नंबर में आने का हो जाएगा। तो विश्व बाबा कहता है कि पढ़ाई पे अटेंशन देना है उतना ही स्वयं के परिवर्तन पर भी अटेंशन दो, अपने परिवर्तन पर अटेंशन दो कि क्या मेरा परिवर्तन हुआ। जब भी परीक्षा आता हम मूंझ जाते हैं, जब भी परीक्षा है मेरा चेहरा चलन उदास निराश हताश हो जाता है, तो माया तो परीक्षा लेगी ही, हम उस स्थिति में क्या हैं, हम मजबूत हैं या नहीं ये देखना है ना। परीक्षा के समय भी पास पता चलता है कि बच्चा कितना कैस किस तरह से पढ़ा है। तो बाबा कहता है स्वयं को परिवर्तन कर, विश्व का परिवर्तन कर दो। और इस समय सभी बाप के नूरी रतन हो, अभी नहीं पास करोगे तो कब करोगे। दिल तक नसीन बच्चे अर्थात माला के दाने बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ पे लगे हुए हैं और उनके अंदर एक ही लगन है कि हम जल्दी से जल्दी अपना नंबर फिक्स करें। तो जल्दी से जल्दी नंबर कौन बच्चे फिक्स करेंगे, जो बेहद के सेवाधारी हों, जो बेहद के सेवाओं में करते हुए भी अपना चेहरा चलन
खुशनुमा निश्चिंत एकदम अच्छा बनाकर रखेंगे। मूंझेंगे नहीं कोई भी परिस्थिति, माया का थोड़ा सा विघ्न आया मूंझ गए। तो बाबा के ऐसे नहीं, हमारा बाबा सुबह भी बोला सैंपल बन के दिखाओ, एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। परिस्थिति बाबा तो कह दिया कि किसी को नहीं छोड़ेगा, परिस्थिति तो अंतिम समय तक पेपर लेगा, लेकिन हम अपने अंदर को चेक करें कि कौन सी अभी कमी है जिसको बाबा दिखाना चाह रहा है इस परिस्थिति के जरिए, कौन सी कमी है जो दिखाना चाह रहा है, उस कमी को ढूंढें और ढूंढ के उस कमी को निकाल के बाहर फेंके, जलाकर भस्म कर दें। देखो बच्चे, समय समीपता की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए ऊंचा पुरुषार्थ करके ऊंचा पद के अधिकारी बनो। क्यों मूंझते हो? नहीं तो कुछ ही समय के बाद यह पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने समय को 100% सफल करो। आगे आगे तो परिस्थिति बढ़नी ही है। और अब जैसे बोलता है बच्चा कि परिस्थिति क्यों बढ़ रहा बाबा, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो परीक्षा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता ही है ना, ये बढ़ना ही आपके पुरुषार्थ को ऊंचा बनाने का निशानी है। तो बाबा कहता है और बढ़नी है, इसीलिए इससे न घबराओ, बाप को बुद्धि से समर्पण कर बाप के संग में जाकर बैठ जाओ। यही अभ्यास आपको हर परिस्थिति से मुक्त कर बाप समान बना देगा। तो हमें बाप समान बनने के लिए सबसे पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर से 10 गुना शक्ति रखती हूँ। जिस समय ही आप आत्मा हूँ मैं स्थित हो जाते हैं, शरीर का जो प्रभाव है आपके ऊपर वो नष्ट होने लगता है। जब हम सोच रहे नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं, वो शरीर आपको अपने कैप्चर में ले रहा है। तो जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात विश्व बाप पर निश्चय रखकर अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर देते हैं और निश्चिंत रहकर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद उनके सारे तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है, तोहफा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक समय था ना कि फोड़ा जो होता है ना, बहुत फोड़ा हो रहा था पैरों में, बहुत फोड़ा हो रहा था। तो एक फोड़ा हुआ, दर्द बहुत ज़्यादा पहली बार होगा, उसको ठीक किए तुरंत तो वो ठीक हुआ नहीं कि दूसरा फोड़ा निकल गया, फिर उसको ठीक किए तो तीसरा निकल गया, बहुत निकलता था हमको। तो बोलते थे कि अरे रोज़ रोज़ का दर्द तो होना ही है, दर्द को एक आनंद का रूप दे दिए, बड़ा मज़ा आता था दर्द भी होना। और खुद में हमारे पापा जी जो थे ना, वही उसको फोड़ते थे, तो पैर एकदम आगे कर देते, जिधर मुँह कर देते थे बोलते लीजिए फोड़ दीजिए, मेरा पैर ही नहीं है, मेरा पैर नहीं है, ये पैर किसी और का। आप बोलते थे फोड़ दीजिए, कितना देर दर्द करेगा? 2 मिनट एकदम मन को इधर इधर करके, नहीं मेरा पैर नहीं है, और फोड़ देते थे। उसके बाद सीधे दर्द गायब हो जाता था, फोड़ने के बाद वो पल्स जो निकल जाता था उसके बाद आराम होगा कि नहीं? और उसको पोसे रहिए तो दर्द देता रहेगा, तो उसे चाहे सौंप दिए, लो फोड़ते रहो, कितना बार बार हो ही रहा तो क्या करेंगे उसको। तो फिर ये ऐसा हो गया था ना कि जब ठीक हो गया ना तो आदत सा हो गया था उस फोड़े का, नहीं होने लगा तो दर्द लग रहा था जैसे कुछ कमी हो गया है, कुछ कमी हो गया है, बहुत ज़्यादा होता था पहले। तो बाबा कहता है कि वो तोहफा बन जाएगा और अर्थात उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ की प्राप्ति स्थूल और सूक्ष्म प्रारब्ध बहुत अच्छी बन जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभव करोगे, जो कि अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट अनुभव होगा कि ये विशेष है, ये विशेष शक्तिशाली है। जब आप हर परिस्थिति को पार करते जाएंगे, दुनिया वाला तो देखिएगा परिस्थिति तो आ ही रहा है सबके पास, तो और ये पार कर रहा है तो उसको भी प्रेरणा मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो वो भी पार करने लगेगा। तो आपको देखकर अन्य आत्माएं जागृत हो गई, आपका पुण्य का खाता स्वतः ही बढ़ने लगेगा और ही ज़्यादा, आप पार कर रहे स्वलग बढ़ रहा है। आपको देखकर जितनी आत्माएं प्रेरणा ले रही हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो उनका भी आ रहा आपका नंबर। तो यही पावरफुल परिवर्तन है। तो क्या करना है, नंबर फिक्स करना है, लेना है, तो हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना है, चाहे वो कोई भी तरह का हो परिस्थिति। इसीलिए बच्चे अभी जो भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत समय बचा है वह सफल कर लो, क्योंकि ये समय ही है जो तुम्हें
ऊंचा पद दिला रहा है। यही वो परिस्थिति है। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि लौकिक परिवार से बंधन मुक्त हो जाएं तो अलौकिक परिवार में केवल सेवा करेंगे, लेकिन जो परीक्षा आता है लौकिक परिवार में वो अलौकिक में थोड़ी आता है। और जितना ज़्यादा परीक्षा था उतना ही हम मजबूत बनते हैं और उतना ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परीक्षाओं से घबरा कर भागना नहीं है, परीक्षाओं के बीच ही रहना है और देखना है कि क्या परीक्षा ले सकता है, क्या ले सकता है, स्थिरता से चेक करना है। तो बस चेक एंड चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि स्वयं पर ही अटेंशन रख कर कर सकते हो। अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हम कैसे किस स्थिति में पार कर रहे हैं। एक है कि हाय हाय करके पार करना और एक है कि वाह वाह करके पार करना, नंबर दोनों में है। कौन सा नंबर आप ले सकते हैं वो तो देख रहा है। तो बाप के संग में रह कर क्यों ना वाह वाह करके नंबर ले लिया जाए। पार तो करना ही है ना, रोके क्यों पार करें, हंस के पार करें, नंबर पूरा ले लें कि बाबा तुमको जाओ समर्पण करते, अब जैसे चलो हर दिन अच्छे से अच्छा गुजरेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे बस अपने ऊपर अटेंशन रख कर आगे बढ़ो, तो फिर तुम नॉलेजफुल भी बन जाओगे और पावरफुल भी बन जाओगे। परिस्थिति को पार करने में नॉलेजफुल बन गए, कैसे पार करना, तुरंत दूसरों को ज्ञान देंगे हाँ ऐसे पार करो, हम भी किए हैं। दूसरा पावरफुल भी बन जाएंगे कि नहीं कोई ज़्यादा शक्ति का ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से पार कर लोगे, अनुभवी मूर्त बन जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बार बार अपने को चेक करो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इसे पार करें। अगर अपने ऊपर अटेंशन रखते हो तो बहुत अच्छे से पार कर लेते हो। बाबा कहता है मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती। एक कहानी आज पढ़ रहे थे कि कुछ लोग एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो कुछ एक पहाड़ पर चढ़ गए, बोलते अब ऊंचा नहीं चढ़ पाएंगे। तो बोले आखिर ऊंचाई पे है क्या, कुछ तो विशेष होगा। सो चलो, नहीं बोले सब नहीं चल पाएगा, वो वहाँ लकी लोग पहुँचता है, लकी लोग पहुँचता है, बहुत लकी लोग वहाँ पर पहुँचता है। तो कोई नहीं जाना चाहा, लेकिन एक बच्चा जो था बोला हम जा के देखेंगे वहाँ है क्या। जब ऊपर में चढ़ा ना तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा, वहाँ पर माहौल एकदम शांत, बहुत चारों तरफ का माहौल दिख रहा था, नीचे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ कुछ लोग पहुँचे थे और कुछ लोग जो पहुँचे थे ना, तो जो नीचे वाला पहाड़ में थे बहुत सारे लोग पहुँचे थे, वो किसी से किसी को मतलब नहीं था, कोई एक दूसरे को देखना, अरे भीड़ में क्या देखना किसी को, यहाँ बहुत भीड़ है इतना ही तक हम लोगों का है। और ऊपर जो कुछ लोग पहुँचे थे वो बहुत प्यार से एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, एक दूसरे को हार जीत का पहना रहे थे, जीत का हार पहना रहे थे। तो पूछे कि आखिर वो लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं, तो बोले कि वो लोग उतना ही में संतुष्ट हो गए हैं, भीड़ में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा मेहनत अगर कर ले तो देखो कितना आनंद है। सबसे ऊंचाई उसके लिए लोग कह रहे थे कि वहाँ लकी लोग पहुँचते हैं, तो क्यों ना हम लोग वो ऊंचाई प्राप्त करने का मेहनत करें, उन परिस्थितियों को पार कर बहुत अच्छे से अनुभवी मूर्त बन जाए। तो बाबा कहता एक जुनून अंदर में जगा लूँ, बस ये जीवन तो समर्पण है बाबा के आगे, जुनून कोई भी चीज़ करने का, वो जुनून आपको बहुत आगे ले जाएगा। जैसे कोई भी काम ठान लेते हैं कि हमको करना है, करना है तो करना है, हो जा रहा है, हो रहा है, तो उसी तरह बाबा कहता है ये जुनून अपने अंदर जगा दो कि हमको ये संगम युग का एक एक सेकेंड बस खुश रहना है, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है, पावरफुल नॉलेजफुल होकर रहना है, किसी में ताकत नहीं जो आपको हरा दे। और अंदर से लगे भी तो बाबा के आगे समर्पण करके मैं आत्मा हूँ शक्तिशाली हूँ, शरीर से 10 गुना ताकत है मेरे अंदर, बाबा आपके अंदर 100 गुना ताकत है, हमको करते चले जाना। तब देखिए शरीर हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, आत्मा ऊपर हो जाएगी। लेकिन जब हम शरीर भान में होते हैं तो आत्मा नीचे दब जाती है और शरीर ऊपर हो जाता है। शरीर ऊपर होना माना बस एक गुना होना, और जब आत्मा ऊपर होती है तो 10 गुना, और जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो परमात्मा की आग से जुड़ जाते हैं, तो फिर वो 100 गुना ऊपर चढ़ जाती है। और यही अंतर है कि बहुत बच्चे क्या है मूंझ जाते हैं परिस्थितियों के वक्त, उन लोग चाहते हैं कि परिस्थिति ही ना हो, बिना परीक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो घड़ी घड़ी अपने आप को चेक करो हम किस स्थिति से पार कर रहे हैं परिस्थितियों को।
तो जैसे जैसे हम पार करते, बाबा कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा, तुम इतना आनंद का अनुभूति करोगे कि उस आनंद को ही लोग खोज रहे हैं, जो दुनिया वालों को नहीं मिल रहा है। तुम उस आनंद को अनुभूति करके फिर दूसरों को बांटना शुरू कर दोगे, बहुत अच्छा लगता। अभी देखिए, पहले तो महसूस नहीं होता था कि क्या करना, अरे भगवान को पा लेंगे तो और क्या हो जाएगा, इसी जीवन को तो सुखमय बनाना है। पहले ये सोचते थे, चलो ठीक है इतना ही जीवन ठीक है, मालूम ही नहीं था कि इससे भी आगे कोई जीवन होता है, बेहद का भी कोई जीवन होता है, बेहद का भी परिवार होता है। लेकिन जैसे जैसे बेहद के परिवार में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ने वाला ही महसूस करता है कि क्या मिल रहा है, पीछे रहने वाला क्या महसूस करेगा। तो अगर आप अपने हर विचार को ईमानदारी से और बाबा की श्रीमद प्रमाण एकदम लगन से आगे बढ़ाते चले जाओ, तो ये तुम्हारे विचार ही तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा। पावरफुल मंजिल, कल्याणकारी मंजिल रखना है। सुबह भी बोले ना कि एक होता है शरीर का मेहनत, एक बुद्धि का मेहनत और एक कल्याणकारी मेहनत। बुद्धि वाला मेहनत लाभ हानि को देखता है, शरीर का मेहनत करना ही पड़ता है, क्या करें, और जो कल्याणकारी मेहनत वो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है। तो ये तीनों में महान क्या बनेगा, कल्याणकारी मेहनत, जो सबके कल्याण के लिए अपने सुख से पहले दूसरों का सोचे। तो इस ढंग से सोचने वाला वो पहले नंबर में आता है और सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, निश्चिंत और खुशनुमा मनोस्थिति को प्राप्त करता है। निश्चिंत और खुशनुमा मनोस्थिति, मन उसका तृप्त होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हर पल ये चेक करो कि कहाँ कहाँ, बाबा कहता है चेक करो अपने अंदर कि कहाँ कहाँ हमारा देहभान की स्थिति है और कहाँ हम आत्मिक स्थिति में कार्य करते हैं। योग सिर्फ कुछ घंटों का अभ्यास नहीं है, योग जीवन जीने की कला सिखाता है, जो देने की कला सिखाता है। जीवन जीने की कला माना देने की कला, जो देने की कला सीख गया वो जीवन जीना सीख जाएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा भरपूर होता है। सुबह परमात्मा को याद करें, फोन को नहीं याद करना है, परमात्मा को। परमात्मा को क्यों याद करते हम लोग, क्यों याद करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सदा दाता है। सुबह सुबह फोन को याद नहीं करना है, क्यों, फोन नहीं देगा, परमात्मा वरदान देता है, इसलिए परमात्मा को याद करना है। तो दिन की शुरुआत अच्छे ज्ञान से करना, क्यों, ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो न्यूज़पेपर केवल बाहरी खबर देता है, हमें बाहरी खबरों में नहीं पढ़ना है, हमें तो ये ज्ञान लेना है जिससे हमारा अंतर का तीसरा नेत्र खुल जाए, जो हमें जीवन जीने की कला सिखा दे। तो बाबा कहता है कि बस बच्चे निरंतर योगी बन जाओ, निरंतर योगी। बाबा तुम कराने वाले, तुम सब कुछ अच्छा करा रहे हो और हमेशा दाता का रूप। तो ये जब निरंतर योग युक्त हो जाएंगे और दाता का रूप हो जाएंगे, आत्मा समझ कर करेंगे, तो कल्याण ना हो ये हो ही नहीं सकता, होना ही है। अच्छा, ओम शांति।